हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम मेथी और आलू के बहुत ही स्वादिष्ट पराठे कैसे बनाए जाते हैं उसकी विधि बताते हैं। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज कर लीजिए, जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो हम आलू और मेथी के पराठे बनाने के लिए, ये मैंने आलू लिया है, ये मैंने दो आलू लिए हैं और ये मैंने लिए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश मेथी। तो सबसे पहले हम मेथी को काटेंगे बिल्कुल बारीक। तो मेथी को हमें बिल्कुल बारीक काटना है। तो मेथी को मैंने बारीक काट लिया, तो इसको अब हमें प्लेट में डालना है। और ये मैंने लिया है बिल्कुल ताज़ा धनिया, तो धनिया को भी मैंने साफ कर लिया है, तो इसको भी बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो सबसे पहले हम आटा लगाते हैं। तो ये मैंने एक आधा किलो आटा लिया है, आपको जितना बनाना हो परांठे उसके अकॉर्डिंग आप आटा ले सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं, तो मसालों में हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधी से भी कम चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं, एक चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और ये मैंने दरदरी लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है। अगर आप ज्यादा बारीक पीसेंगे तो उससे जो टेस्ट है ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा, दरदरी रखेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो जो मैंने मेथी काटी थी वो आधी मेथी हमें इसमें यूज करना है आटे में, और धनिया भी हमें डालना है इसमें। आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे पराठे। और आधी से भी कम चम्मच दरदरी जो लाल मिर्च होती है पिसी हुई वो डालेंगे, आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं और नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, और एक चम्मच हमें घी डालना है इसमें। और ये मैंने लिया है एक चम्मच हींग, हींग डालेंगे। और ये मैंने आधी चम्मच अजवाइन लिया, अजवाइन डालते हैं। और ये मैंने लिया है दही, तो दही भी इसमें ऐड करेंगे। इससे जो हमारे पराठे बनेंगे वो बिल्कुल ज़बरदस्त बनेंगे, इतना स्वादिष्ट लगेंगे और स्वाद के साथ में पौष्टिक भी हो रहेंगे आलू और मेथी के पराठे। तो हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पराठे के लिए आटा तो तैयार हो चुका है, अब हमें आलू का मसाला बनाना है। आटे को हम 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। तो मैंने बड़ा वाला बाउल लिया है, तो बाउल में हमें दो आलू डालने हैं और आलू को हमें थोड़ा सा मैश करना है सबसे पहले। तो आलू देख सकते हैं मैश हो चुके हैं। आलू के अंदर हमें पानी का यूज नहीं करना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो हमारे आलू होते हैं। अब हमें इसमें भी मसाला डालना है, तो मसाले में हम ये देख सकते हैं अदरक और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट इसमें भी डालेंगे। और ये मैंने जो धनिया काट रखा था धनिया डालते हैं, और जो मैंने आधी मेथी बचाई थी जो मेथी भी डालेंगे। इससे जो हमारे पराठे बहुत ही पौष्टिक भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे पराठे। अब इसमें हमें सूखे मसाले ऐड करने हैं, आधी चम्मच हमें सौंफ डालनी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसकी भी कर सकते हैं। मिर्च पाउडर डालेंगे दरदरी पीसी हुई, आप बारीक वाली भी डाल सकते हैं, पर इससे जो पराठे का टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आधी चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं, आधी चम्मच जीरा डालेंगे, गरम मसाला डालते हैं और धनिया पाउडर डालते हैं और नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं।
और अब सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। आप चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, पर हाथ की मदद से करेंगे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसको हम साइड में रखेंगे, पराठा बेलना स्टार्ट करेंगे। पराठा बेलना स्टार्ट कर दे तो अब हमें लोई लेनी है, तो हम थोड़ा सा बड़ा साइज में लेंगे। और इसमें हमें थोड़ा सा नीचे आटा लगाना है। और इसको हल्का सा बेलना है। अब हमें मसाले को भरना है इसमें, तो हम इसमें मसाला भरते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है इसको। और फिर से हमें थोड़ा सा आटा लगाना है। और इस तरीके से करके हमें इसको रोटी की शेप में बेलना है। तो हमें हल्के हाथ से ही बेलना है। तो ये मैंने रोटी का साइज का बेल लिया है, तो अब हमें तवा लेना है। तो मैंने गैस पहले से ऑन कर दी थी, तो तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हमें पराठे को डालना है। और गैस का फ्लेम हमें कम रखना है। और देख सकते हैं कहीं से भी हमारा मसाला इसमें बिल्कुल नहीं निकला है। तो हम तब तक ये सीखता है तब तक हम दूसरा वाला भी तैयार कर लेते हैं। तो एक साइड से हमारा पराठा सीख चुका है, तो इस पे हमें घी लगाना है। हमें घी सीखने के बाद में इस पे लगाना है। तो दूसरी साइड से भी घी लगा देते हैं। और ये मसाला आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा ये नाश्ते। ये पराठा आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसको हमें थोड़ा सा दबाना भी है। और अब इसको हमें पलटना है। तो ये देख सकते हैं इस साइड से भी पराठा सीख चुका है, कितना अच्छा कलर आया पराठे का। और ये आलू और मेथी के मिक्स पराठे हैं, तो बच्चों को भी बहुत पसंद भी आएंगे और बहुत सेहत के लिए भी हमारे लिए अच्छे रहेंगे, हेल्दी भी हैं ये पराठे। आलू के पराठे तो सभी को पसंद आते हैं, पर इस तरीके से आप मेथी और आलू के दोनों के मिक्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे पराठे। ये पराठा सीख चुका है, इसको हमें देख सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से सीख चुका है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरा वाला भी डाल देते हैं। तो आप इस पराठे को देख सकते हैं, मैंने मेथी भी इसमें यूज की है, तो आलू देख सकते हैं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे होंगे, आपको बिल्कुल आसानी से बेलना है। तो अब हमें इस पे भी घी लगा लेना है। और सभी पराठे को हम इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। पराठे बनकर के तैयार हो चुके हैं, तो अब सर्व करेंगे। तो ये मैंने चटनी बनाई है टमाटर की, तो गर्मा गर्म हमारे मेथी और आलू के पराठे तैयार हैं। हमारी सिंपल तरीके से पराठे बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और देख सकते हैं कितने बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं और स्वादिष्ट भी हैं। तुम्हारी सिंपल तरीके से पराठे बनाने की रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।